चलो मैम, आप लोगों का क्लास लेने वाली है तकरीबन 11:10 या 11:15 से लेंगे, ठीक है, 11:15 के आसपास से, ठीक यस मैम। है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, यूनिट 3 का टॉपिक है, ये हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और ये इस टॉपिक को ऑलरेडी आपने आई थिंक ओडी में पढ़ा होगा, क्रॉस कल्चर डायनेमिक्स करके जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट द सेम टॉपिक, दैट इज क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, नथिंग न्यू, ठीक है। तो लेट मी टेक अ पेन। तो देखो क्या होता है कि हम अपने जो कंट्री में वर्क कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, यहाँ का ग्रीटिंग करने का प्रोसीजर अलग होता है। बट अगर आप क्या करते हो, किसी फॉरेन कंपनी में जाते हो तो वहाँ, या वहाँ फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहाँ जो है ग्रीटिंग करने का, वहाँ वर्क करने का प्रोफाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। दैट इज नोन एज द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग और क्रॉस कल्चरल डायनेमिक, बिकॉज आपका कल्चर, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, एंड आपके जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फॉरेन में वर्क कर रहे हैं वहाँ का क्या है, कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द क्रॉस कल्चरल डायनेमिक्स या क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, एंड उसको मैनेज करने के लिए क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है इम्प्लॉयज को, ठीक है। सो एनी इंटरवेंशन एम्ड एट इंक्रीजिंग द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू कोप अप टू कोप विथ और वर्क इन अ फॉरेन एनवायरमेंट, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रेनिंग या इंटरवेंशन, इंटरवेंशन बेसिकली मीन्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग यू कैन कंसिडर, बिकॉज हमने जो ओडी में पढ़ा था, ओडी इंटरवेंशन टेक्निक्स, ठीक है। तो इंटरवेंशन मतलब होता है कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी स्ट्रेटेजीज, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी जो हम इम्प्लॉयज को देते हैं कि उससे क्या करता है वो फॉरेन एनवायरमेंट में वर्क कर सकता है बेटर वे में, दैट इज नोन एज अ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, ठीक है। सो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग इज अ फॉर्मल मेथड टू प्रिपेयर द पीपल फॉर मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड जॉब सक्सेस व्हेन दे इंटरेक्ट एक्सटेंसिवली विद द इंडिविजुअल एंड फॉर कल्चर अदर देन देयर ओन। बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक फॉर्मल मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इम्प्लॉयज को या फिर पीपल को प्रिपेयर करते हैं कि वो जो है बाहर के एनवायरमेंट में एक अच्छे से अपना कल्चर, क्या कहते हैं, बाहर के कल्चर को एक्सटेंसिवली फॉलो कर सके, साथ ही साथ वो अपने कल्चर को भी फॉलो कर सके एंड और वर्क कर सके, दैट इज नोन एज अ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, ठीक है। सो दिस टास्क कैन बी अचीव विद अ वेल डिफाइंड क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, ठीक है। आपको क्या करना है कि उसके लिए एक प्रॉपरली क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है। सो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप उनके स्ट्रेस को कंट्रोल करा सकते हैं, कल्चरल शॉक वाइल डीलिंग विद द न्यू कल्चर, एंड द नीड फॉर द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग विल बी, दो दो नीड है, फर्स्ट वन इंडियन एक्सपर्ट राइट एंड एम्प्लॉयज डीलिंग विद द एक्सपर्टेंट ऑफ एन अदर ओरिजिन, ठीक है। दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं, ठीक है, इंडियन में ही जो काम कर रहे हैं उनमें भी समवॉट कल्चर डिफरेंसेस होता है, बिकॉज आप नॉर्थ का कल्चर देख लो, साउथ का कल्चर देख लो, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर देख लो, वेस्ट का कल्चर देख लो, सब में डिफरेंसेस है। तो इंडिया के लोगों, इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं उनको भी डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो टू डील विद द डेलीगेट्स ऑफ आपका अदर ओरिजिन, ठीक है। अदर ओरिजिन से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके जापान से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, वहां से जो आ रहे हैं, या फिर आप वहां जाके वर्क करें, उनको भी डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैंस द क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग इन्वॉल्व ऑल द मेथड्स लाइक योर लेक्चर सेशन हो सकते हैं, सिमुलेशन सेशन हो सकते हैं, विच इज यूज टू मेक एन एम्प्लॉय फेमिलियर विद द डिफरेंट कल्चर या अदर कल्चर के साथ, उनको आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग देने के लिए यूज कर सकते हो लेक्चर एंड सिमुलेशन टेक्निक को। तो द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग जो होता है वो डिफरेंट एरियाज इंक्लूड करता है, लाइक आप लैंग्वेज एबिलिटीज सिखा सकते हो कि उनको लैंग्वेज पे कैसा कमांड करना है, कुछ जनरल स्टेटमेंट, हाय हेलो, ठीक है, ग्रीटिंग्स की चीजें, ये सब चीजें सिखा सकते हो। बिजनेस एटिकेट सिखा सकते हो कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के लिए क्या क्या एटिकेट्स है, जैसे जापान में अलग बिजनेस एटिकेट्स फॉलो होते हैं, वो क्या है, दे आर द क्वाइट पंक्चुअल एंड उनको वो वर्कहोलिक होते हैं, बट इंडिया में देखा जाए तो बिजनेस एटिकेट्स में इंडिया के लोग क्या है, समवॉट लेजी पीपल है, उनका चलता है वाला बिहेवियर होता है। सो ये दिस विल सपोज कोई पर्सन है और वो फॉरेन में वर्क कर रहा है, तो आपके अगर वो इंडिया के जैसा वर्क करेगा वहां, तो वहां क्या है, कंपनी की इमेज होगी, डिटोरियट होगी। तो लैंग्वेज एटिकेट सिखा सकते हैं, बिजनेस एटिकेट सिखा सकते हैं, बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम, ठीक है, उनका कुछ सोशल सिस्टम से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकते हैं, एंड नेगोशिएटिंग स्टाइल एक्सेट्रा रिलेटेड टू एनी कल्चर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, सो दिस विल बेसिकली हेल्प इन अ कॉन्स्टेंट स्विचिंग फ्रॉम एन ऑटोमेटिक होम कल्चर मोड टू द कल्चर अडेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल वन। जो ऑटोमेटिक या होम कल्चर जो था हमारा, जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, उसके बजाय हम कुछ ऐसा कल्चर उनको सिखाए जो क्या होगा, अडेप्टेबल होगा एंड एक्सेप्टेबल होगा एट ईच बाय ईच एंड एवरी वन, ठीक है, वो आइदर में भी इंडिया में काम करें या फिर फॉरेन में काम करें।
सो दिस विल एड इन इम्प्रूविंग एड टू इम्प्रूव और कोपिंग विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट और कल्चरल शॉक. ठीक है, अगर उनको पहले से ही कल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा कि लाइक अगर अ पर्सन पोस्टेड होने वाला है चाइना में तो या फिर चाइना में जाके आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला है किसी मीटिंग में, तो उसको ऑलरेडी थोड़ा सा पहले से वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ कैसे ग्रीट किया जाता है, ठीक है, वहाँ दैट इज हाउ टू मेक अ डील, ठीक है, इस सब के बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए. उससे क्या होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होगा उसके साथ और उसको कल्चर शॉक नहीं होगा. सो दिस मीन दिस इज अ मीन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन इंटरेक्शन विद द फॉरेन नेशनल्स एंड दिस इज अ मीन्स ऑफ एनहेंसिंग द एक्सपेक्टेड कोपिंग एबिलिटीज. ठीक है, उनके जो कोपिंग एबिलिटीज है वो इंप्रूव होती है. तो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस का, सबसे पहले पावर डिस्टेंस, जो मस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एक वो है उसकी वजह से अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. सो पावर डिस्टेंस क्या होता है कि कुछ पीपल जो होते हैं मोर पावरफुल होते हैं, कुछ लेस पावरफुल होते हैं बिलोंगिंग टू द सोशल सिस्टम. सपोज अ पर्सन हु इज अ डायरेक्टर तो उसके पास क्या होगा, पावर ज्यादा होगा. अ पर्सन हु इज ओनली अ मैनेजर तो उसके पास पावर कम होगा. सो ये जो सोशल बिलीफ सिस्टम होता है वो पावर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं. तो इसकी वजह से कल्चरल डिफरेंसेस भी आते हैं. मस्कुलिन एंड फेमिनिन एज यू ऑल नो जो जेंडर है, ठीक है, उनका जो है रोल डिफरेंट होता है, उनके इमोशनल बिलीफ डिफरेंट होते हैं. तो जो फेमिनिन होते हैं वो इमोशनल एस्पेक्ट में होते हैं एंड जो मेल जो पर्सन होते हैं उनका जो है मोर एग्रेसिव काइंड ऑफ अ नेचर होता है. वो क्या होते हैं, मोर एक्साइटेड होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए. ऑल्सो फीमेल्स आर एक्साइटेड बट दे हैव अ सम काइंड ऑफ इमोशनल व्यू. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, दैट इज कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ इट्स मेंबर्स विल फील आदर कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल इन अ स्ट्रक्चर सिचुएशन. ये जो होते हैं ये सारी चीजें देखनी है. इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की इंडिविजुअल अ पर्सन कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कैसे सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल इन्वायरमेंट को, एंड वो कलेक्टिविज्म या फिर लोगों के ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो ये सारी चीजें हैं दैट वी नीड टू टेक केयर. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, कि उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, या लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एन इंडिविजुअल क्या है, एंड हाउ दिस विल अफेक्ट द टोटल वैल्यू सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका कल्चर कैसा चल रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट, डिफाइनिंग द कॉम्पिटेंसीज, की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायरमेंट है फॉर क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग के लिए. सो लाइक द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट रेस्पेक्टफुली, ठीक है, आपके पास या फिर जो एम्प्लॉयज बाहर जाके वर्क करने वाले उनके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर सके. अगर उनको कोई चीज ऐसी लगती है जो डेरोगेटरी है, ठीक है, उनके उनके रेस्पेक्ट में या कंपनी के रेस्पेक्ट में, देन ओनली ही और शी मस्ट बी कम्युनिकेट रेस्पेक्टफुली एंड टेल की ना दिस आर नॉट द थिंग बट एक्चुअली दिस इज द थिंग. ठीक है, ऐसा कुछ उनको रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना है. द कैपेसिटी टू बी अ नॉट जजमेंटल, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिविटी ऑफ वंस ओन नॉलेज एंड परसेप्शन, एंड द कैपेसिटी टू डिस्प्ले द एम्पैथी. ठीक है, यहाँ पे एम्पैथी होना चाहिए कि वो एम्पैथी दिखा सके, या एम्पैथी उसके बिहेवियर में होना चाहिए. द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट इन एनवायरमेंट ऑफ फॉरन एनवायरमेंट, लाइक वहाँ का फूड कल्चर, वहाँ का कल्चर, उधर का वैल्यू सिस्टम, वहाँ की ग्रीटिंग स्टाइल, ये सबको अडेप्ट कर सके, फ्लेक्सिबल हो, एंड टॉलरेंस एंड एम्बिग्यूटी फॉर एम्बिग्यूटी. ठीक है, टॉलरेंस होना चाहिए. नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ द क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग, या यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट होता है क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग को डिजाइन करने के लिए. ऐसा नहीं कि दिस आर ओनली द सिंगल 5 या 6 टेक्निक्स हैं. लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट में सबसे पहले आपका पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इंडिया में पंक्चुअल उतने नहीं है, बट इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यू कैन से यूएस, यूके, चाइना, जापान, रशिया, बड़ी कंपनी, वहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पंक्चुअलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर हर जगह होता है, बिकॉज यू एज एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु इज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट यू कैन से जो इंडिया में वर्क करता है एंड अ कंपनी ऑफ अ चाइना, ठीक है, वहाँ का क्या है, लैंग्वेज में बैरियर होगा. कॉमन सी बात है, यू डोंट नो द चाइनीज, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेजेस आपको पता नहीं है. सो लैंग्वेज बैरियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड लैंग्वेज बैरियर के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको कुछ जनरल जो ग्रीटिंग स्टाइल है, ग्रीटिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो सब चीजों की ट्रेनिंग दे सकते हो. नाउ द डिफरेंट बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिकॉज कॉमन सी बात है, इंडिया में बिजनेस पर्सपेक्टिव डिफरेंट चलता है, चाइना में बिजनेस पर्सपेक्टिव डिफरेंट चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हो इम्प्लॉयज के लिए. नेक्स्ट है आपका कल्चर स्ट्रेस, जो कल्चर का स्ट्रेस होता है कि हम वहाँ के कल्चर में कैसे कोप अप करेंगे, वहाँ के लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको प्रीवियसली आप उनको कुछ ट्रेनिंग दे दो. ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड ग्रीटिंग. एज यू नो चाइनीज कैसे ग्रीट करते हैं, दे विल बेंड टू टिल द मिडल ऑफ देयर वेस्ट, ना वेस्ट लाइन के पास ऐसे झुक के वो ग्रीट करते हैं. बट इंडिया में कैसे होती है ग्रीटिंग, विद द हैंडशेक. ठीक है, सो ऐसे तरह के बॉडी लैंग्वेजेस या ग्रीटिंग के स्टाइल्स हम सिखा सकते हैं अपने इम्प्लॉयज को. ठीक है, ये उन्हीं का ही एक्सप्लेनेशन है, नथिंग न्यू. फिर
नेक्स्ट है आपका क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। सो मेरिट्स में है दैट दिस विल इंक्रीज द चेंज ऑफ सक्सेस इन द ग्लोबल असाइनमेंट। ठीक है, आपका क्या है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसको लगता है कि हाँ दैट जो इम्प्लॉय हमको हमारे साथ डील करने आया है, एग्जीक्यूटिव हमारे साथ डील करने आया है, उसको हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज है, हमारे हमको अच्छे से ग्रीट करता है, उसके पास टॉलरेंस है, और ठीक है, सो ये सब चीजें क्या करती है, हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने में और टू टू क्रैक द डील। सो दिस विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल परस्पेक्टिव फॉर द मैनेजर्स। दिस विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इन द एक्सपर्टेड। एंड नेक्स्ट इज द फॉरेन एम्प्लॉयज कैन बी मैनेज्ड बेटर एंड दिस विल रिड्यूस द कल्चर शॉक ड्यू टू एक्सपोजर टू द होस्ट कंट्री। ठीक है, सो दिस आर द मेरिट्स। नाउ कम्स टू द डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या है कि दिस विल डेवलप अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द एम्प्लॉयज कि उनको बहुत लाइक एम्प्लॉयज अगर एक एक डील क्रैक कर लेते हैं विद द फॉरेन नेशनल्स तो क्या होता है, उनके पास एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं स्टाफ के साथ डील क्रैक कर सकता हूँ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ईच एंड एवरी फॉरेन कंपनी। ठीक है, आप चाइनीज के साथ कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जापानीज कंपनी के साथ भी डील क्रैक कर लेंगे, उसके लिए आपको एक अलग तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो दिस वे मे नॉट रिमूव द कल्चरल बायस एंड प्रेजुडाइज एंड दिस मे नॉट बी टेकन सीरियसली बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, समटाइम्स जो रेसिपिएंट है लाइक चाइनीज कंपनी है, दिस विल मे नॉट टेक दैट सीरियसली, मे नॉट मेक अ विजिबल डिफरेंस टू द बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, एंड कैन नेवर फुली प्रिपेयर एन असाइनमेंट टू फेस द रियल लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, सो दिस आर द डीमेरिट्स। तो दिस इज द स्मॉल टॉपिक और इसका जो ये पार्ट था यू कैन रीड, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट चीजें नहीं है, जस्ट फ्यू एग्जांपल्स एंड एक दो लाइन में उनका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। यस सर।